हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब जरा दूसरी बड़ी और अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है, चुनाव सिर पर हैं, लेकिन ऐसे में पार्टी से नाराज नेता कहीं पार्टी के भीतर रहकर चुनाव में नुकसान ना पहुंचाएं, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। शायद यही कारण रहा जो प्रदेश कांग्रेस ने 16 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बागी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है जिन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दरअसल ये वो कांग्रेस नेता हैं जो पार्टी हाईकमान से विधानसभा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन हाईकमान ने जब इन नेताओं की बजाय दूसरे कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला लिया तो ये नेता बगावत पर उतर आए। इन नेताओं ने न केवल खुलकर पार्टी की मुखालफत शुरू कर दी बल्कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव में अपने पर्चे भी भर दिए। हालांकि कांग्रेस के आला नेताओं ने इन बागी नेताओं को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हारकर पार्टी को अब उन्हें निष्कासित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए इन नेताओं में 8 पूर्व विधायक और दूसरे कांग्रेस नेता शामिल हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने 16 नेताओं को पार्टी के संविधान का उल्लंघन करने और 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि के रूप में चुनाव लड़ने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं पार्टी से बाहर किए गए नेताओं की लंबी फेरिस्त है। नेताओं पर गिरिराज: निर्मल सिंह पूर्व मंत्री, आजाद मोहम्मद पूर्व मंत्री, जिले राम शर्मा पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, नरेश यादव पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, नरेंद्र सिलवाल पूर्व विधायक, रामनिवास घोड़िला, राकेश कंबोज शामिल हैं। इसके अलावा अमनदीप कौर, प्रेम मलिक, अंजना वाल्मीकि, अजय अहलावत और रवि खत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सैलजा के अनुसार इन नेताओं को पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन पार्टी के इस कदम से क्या असर होता है देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में पार्टी का ये एक्शन पार्टी के प्रत्याशियों के लिए क्या कोई राहत दे पाएगा या पार्टी के भीतर फूट और ज्यादा बढ़ जाएगी, देखना बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।